इफ देयर इज़ मैजिक ऑन दिस प्लैनेट इट इज़ कंटेन्ड इन वाटर। ये ब्यूटीफुल लाइन्स एक फेमस राइटर द्वारा लिखी गई हैं जिनका नाम है लॉरेन आइजली। यहाँ इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पानी में जादू होने की बात कही है। इनकी कही हुई ये बात कितनी सच है यही हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कैसे आप पानी से वो सब मांग सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो इस टेक्निक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लेट्स बिगिन। पानी को धरती पर लाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कई यज्ञ किए थे और लाइफ का ओरिजिन भी सबसे पहले पानी में ही हुआ था, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि पानी का सिग्निफिकेंस हमेशा से ही रहा है और रहेगा। पानी से हमें कई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, जैसे नदियों का निरंतर चलते रहना हमें सिखाता है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। पानी को जहाँ डाल दिया जाए वो उसी की ही शेप ले लेता है। हमें भी खुद को सिचुएशन के अनुसार ढालना आना चाहिए। और भी कई चीजें हैं जो पानी हमें सिखाता है। पानी का प्रयोग हम आदिकाल से भगवान की पूजा में करते आ रहे हैं, भगवान को अर्घ देना, चरणामृत ग्रहण करना आदि। हर धर्म के लोग पवित्र कार्यों में पानी का प्रयोग करते हैं। तो इससे एक बात तो समझ आ रही है कि पानी का कितना इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा क्या है इस पानी में जो कोई भी काम इसके बिना पॉसिबल नहीं है। कई बार तो कई पुजारी पानी को अभिमंत्रित करके लोगों की बीमारियाँ, घर की नकारात्मकता तक भी खत्म कर देते हैं। मंदिरों में भी आरती के बाद सबके ऊपर पानी के छींटे फेंके जाते हैं। ये सब बातें बताती हैं कि पानी में कुछ तो है जो इसे खास बनाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। पानी से हम सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं, इसका पता जापानीज साइंटिस्ट और डॉक्टर इमोतो मसारो ने लगाया था। उन्होंने पानी पर रिसर्च करना शुरू किया। इनकी रिसर्च से ये पता चला कि पानी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेती हैं। पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारी फीलिंग्स को आकर्षित करते हैं। इसका एविडेंस उन्हें पानी के बदले हुए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर से मिला। जब हम पानी को अपने हाथ में लेते हैं उस समय हमारी बॉडी जिस एनर्जी स्टेट में होती है वही एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और ये बात साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुकी है। तो जब हम इस वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करके अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं, तो देर किस बात की। क्यों नहीं इस मैजिकल टेक्निक का यूज़ करके हम भी अपने थॉट्स को रियलिटी में बदलें। अब जानते हैं हम कैसे इस वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक के लिए आपको सबसे पहले एक पानी से भरे हुए ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे स्टेप में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका फोकस। इस टेक्निक को करते हुए आपको अपना फोकस पूरी तरह से हाथ में पकड़े हुए ग्लास पर लाना है। और तीसरे स्टेप में अब उन थॉट्स और अफर्मेशंस को आपको जीवंत करना होगा जिनको आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक रिच लाइफ चाहते हैं तो आपको कहना होगा, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है, धन्यवाद। ध्यान इस बात का रखें कि आपको अपने थॉट्स या अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है, और साथ ही अपने अफर्मेशन के साथ ग्रेटिट्यूड को जोड़ना ना भूलें। इससे आपकी विश पूरा होने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसके बाद हाथ में पकड़े हुए उस पानी से भरे हुए ग्लास को पी लें। ये एक तरह से पानी को चार्ज करने का तरीका है। अब आपने जो पानी पिया है वो मैजिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर देगा और आप खुद को एक एनर्जी से भरी हुई स्टेट में पाएंगे। अब आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा होगा, आपकी कमिटमेंट आपके गोल्स के लिए बढ़ने लगती है और आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से मैच होने लगती है। जिस इंसान की फ्रीक्वेंसी उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो जाती है उसका हर काम हो ही जाता है। ये टेक्निक आपके हर गोल को उस सुप्रीम पावर की कृपा दिलाने में मदद करती है, और फिर आप उस मैजिकल दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जहां आपका हर काम पॉसिबल है, क्योंकि अब दुनिया की सुप्रीम पावर खुद आपके साथ खड़ी है। पानी पीने के बाद इस बात के प्रति जागरूक रहें कि भगवान के द्वारा क्या साइंस आपको दिखाए जा रहे हैं और आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हो सकता है पानी पीने के तुरंत बाद आपको आइडियाज़ ना आए, पर अगर आपने मैनिफेस्टेशन के इस टेक्निक को अपना लिया है तो ये ज़रूर काम करेगी ही। इसलिए नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहें, उन्हें पहचानना सीखें। कोशिश करें इस टेक्निक का यूज़ करते हुए आप अकेले हों, इससे आपका फोकस बना रहेगा। और इसे करने से पहले अपनी सारी नेगेटिविटी, डर और चिंताओं को ख़त्म कर दें और कुछ गहरी सांसें लेकर इसे करना शुरू करें। ध्यान रखें कि पानी को धीरे धीरे पिए और पीते समय अपनी अफर्मेशंस को याद रखें। जब आपको ये टेक्निक धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगी तो अब आप इसे कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, घूमते हुए, घर में, ऑफिस में, कहीं भी। बस इस पर विश्वास बनाए रखें और रोज़
इसे दोहराते रहें। तो ये थी वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जिसका यूज करके आप भी अपनी लाइफ को एक नई रियलिटी में बदल सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।